नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो से दिनेश पांडे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां मैं खड़ा हूं ये सदर अस्पताल है, बल्कि ये भूतों का डेरा नहीं। लेकिन जिस तरीके का आप देख सकते हैं कि भूत के डेरा से भी बदतर हो गया है, और यहां 8 घंटे से बता रहे हैं लोग कि 8 घंटे से यहां लाइन नहीं है, यहां जनरेटर नहीं चलाए जा रहे हैं। तो लगातार ये कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है, जबकि लाखों रुपये, ये कहा जा सकता है कि प्रति माह लाखों रुपये जनरेटर में तेल के नाम पर खर्च होते हैं। तब सवाल ये उठता है कि केवल हम मरीजों को ही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि इसके लिए परेशानियों का सामना कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। हम आइए आपको दिखाते हैं ये एक तस्वीर, और ये आप देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं ये लोग काम कर रहे हैं तो मोबाइल से काम कर रहे हैं, यानी इन लोगों को लाइट की व्यवस्था नहीं। लेकिन फिर हम आपको दिखाएंगे डॉक्टरों का चैम्बर भी, जहां लाइन है और वहां लोग आराम फरमा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि डॉक्टरों को केवल अपने से लेना देना है, मरीजों से नहीं। आप सभी जानते हैं कि मरीजों की इलाज के लिए, मरीजों को रखने के लिए एक ठंडा जगह की जरूरत होती है। एक्सीडेंट में, दुर्घटना अगर किसी तरह का हो जाता है, किसी तरह की घाव हो जाती है, तो उसे ठंड में रखना पड़ता है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह बड़ी सवाल है कि क्या जो जीवन रक्षक, जो दवाइयां जो सदर अस्पताल में रखी गई है, क्या उसके भी फ्रिज चलते हैं या नहीं। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कोई मौजूद नहीं है, और स्वास्थ्यकर्मी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आइए हम मरीजों से बात करेंगे, और आप देख सकते हैं हमारे तस्वीरों में कि किस तरह से मरीज जो है पंखा डोला रहे हैं, और पंखा डोला करके किसी तरह अपने मरीजों को सुरक्षित तरीके से रखे हुए हैं। तो क्या इस तरह की, अगर जानवरों की भांति जो पेश लोग आते हैं, तो क्या ये मरीज हैं या फिर जानवर? इन जानवर की भांति आखिर इनसे बर्ताव क्यों होता है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या अस्पताल प्रबंधन है इसके लिए जिम्मेदार, या फिर ये जो लोग अस्पताल में जो भर्ती हैं? भला बताइए, ये देखिए इनकी हालात, और इनकी हालात देखिए, चेहरे पर स्पष्ट इनके पानी तर बतर होते जा रहे हैं गर्मी से। एक तरफ गर्मी और दूसरे तरफ पारा जो है, यहाँ बोकारो का पारा 41 पार कर गया है, लोगों की जीना मुहाल हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ इनकी देखिए, इनकी हालत क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम मरीजों से भी बात करेंगे। जी आप बताओ, तो आप कब से भर्ती हुई है? आज 3 दिन हो गया मेरा। क्या नाम है तेरा? गणेश कुमार महतो। अच्छा गणेश, हमको तू ही बताओ कि कब से लाइन नहीं है? यानी कि 10 बजे तक लाइन थी यहाँ पे, 10 बजे के बाद नहीं है अभी लाइन। अस्पताल प्रबंधन जनरेटर चलाया? नहीं। देखिए, अस्पताल प्रबंधन जनरेटर नहीं चला। आप बताइए कब से यहाँ खड़ी है? ये बिहान सुबह से खड़े दिन भर लाइन नहीं है, सुबह से मर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ जो शौचालय है, उस शौचालय में पानी नहीं है? पानी नहीं है, कुछ नहीं है, एको तो नहीं पानी। कब से पानी नहीं है? सुबह से पानी नहीं है। आप भला बताइए कि सुबह से जिस अस्पताल में पानी ना हो, आप बुनियादी सुविधाओं की आप बात करते हैं कि हम बुनियादी सुविधाओं को बाहर रखेंगे, तो बुनियादी सुविधाओं में सबसे बेहतर, सबसे जरूरत की सामान शौचालय होता है। जहां एक तरफ सरकार जो है शौचालय को बनवाने के लिए एक अभियान चला रखा है, तो दूसरी तरफ बने शौचालयों में पानी नहीं है इस अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण। हम फिर लोगों से बात करेंगे, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइए, आप किसे किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या व्यवस्था नहीं है? पानी का व्यवस्था नहीं है, लाइन का व्यवस्था नहीं है, जनरेटर का व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ये सब होना चाहिए। देखिए ये बेना का सहारा ले रहे हैं, और बेना का सहारा लेकर के इस अस्पताल में भर्ती हैं। हम एक बार फिर कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि आप थोड़ा सा पीछे की तस्वीर दिखाएं, जहां ये समझ में आ रहा है कि हम दिन में खड़े हैं या रात में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अस्पताल प्रबंधन की इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? तो इस लापरवाही की, सवाल की जवाब भी हम यहीं से ढूंढेंगे और यहीं के लोगों से पूछेंगे। आप बताइए क्या देखते हैं आप बेना लेकर के? आप बेना लेकर देख ढूंक रहे हैं, पानी नहीं है, आपको जनरेटर नहीं है, लाइन नहीं है सुबह से। देखिए जब हमारा स्कैन शुरू हुआ, तो आपको मैं दिखा रहा हूं कि जब ही हम अस्पताल में स्कैन शुरू करने किए, और अस्पताल का स्कैन हमने जब ही शुरू किया, लाइन आ गई, यानी जनरेटर चालू कर दिए गए, यानी ये लापरवाही था। तो क्या पत्रकार कब तक पत्रकार आम लोगों की लड़ाई लड़ेगा, और कब तक पत्रकार आम लोगों की इस मामले को लेकर के आंदोलन करते रहेगा? क्या हम आंदोलन हैं या हम आंदोलन करेंगे? देखिए ये स्थिति। अब यहाँ के लोगों की खुशियाँ भी देखिए कि किस तरीके से ये लोग जो हैं अभी तक गर्मी से मर रहे थे, लेकिन मेरे आने के बाद जब हमने स्कैन शुरू किया अस्पताल का, तो अस्पताल की हालत सुधर गई। लिहाजा अभी गरीबों को, इन मरीजों को अब लाइव मिलेंगे। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बने रहे लगातार.in के साथ।